हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरसी क्रिकेट क्रिएशन 2.0। दोस्तों, आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा राइवली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। क्या इंडिया अपनी जीत हुई रिकॉर्ड जारी रखेगा या नहीं, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान कुल 7 मैचेस खेले है, मगर पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता है। 7 मैच में 7 ही इंडिया जीता है। इसी में सबसे बड़ी एक तस्वीर निकल के आ रहा है कि शुभमन गिल रिकवरी कर रहे हैं और वो अहमदाबाद में 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए आए थे। इसी मैच में शुभमन गिल अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये मैच उनका घर यानी अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। नंबर 1 पर रोहित शर्मा कैप्टन, नंबर 2 पर शुभमन गिल, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर कोहली राहुल, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर मुझे लगता है कि शमी को खेलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल 2023 में शमी ने इसी पिच में बहुत अच्छा बॉलिंग करके पर्पल कैप विनर थे। लेकिन इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है तो आप नंबर 8 पर शार्दुल के जगह पर शमी को खेला सकते हैं, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज, नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसी मैच में सूर्य कुमार यादव को मौका मिलना चाहिए कि नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे क्रिकेट से जुड़ी हर न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।